रिमल शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज मैं आपको मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल के बारे में बताऊंगी। इसराइल जो कि बहिरे रूम के मशरकी साहिल पर मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लेबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन, जनूब मशरकी सिंध में फलस्तीन, जनूब में मिस्र खलीज अकाबा एंड रेड सी बहते हैं। जैसे दूसरे कई ममालिक तारीख में बहुत पुराने गिने जाते हैं, वैसे ही इसराइल भी है जो हज़ारों साल तारीख पर मबनी सकाफत पेश करता है। आज मैं आपको माजी की बातों के साथ साथ वो भी बताऊंगी जिससे आप लोग लाइल होंगे। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख के बारे में, इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला ओवल होना, मसीहत का मुतबरिक मुकाम होना और दीवारें गिरा होने के सबब ये मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक मजहबी मुकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मुल्क उनके कब्जे में चला जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 सालों तक उमवी, अब्बासी और सलीबी जंगजों बार बार इस मुल्क पर काबिज होते रहे। 1260 में ये सरजमीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बनी। 1516 में ये तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गया, तब बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम किया। दुनिया ने वो वक्त देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, तलवारों और बम्बों से खत्म कर दिया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो यहूदी हलोका से जिंदा बच निकले थे, सब ने बरतानवी राज के खिलाफ ऐलान बगावत बुलंद कर दिया। तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना, इस मुल्क में यहूदियों को जगह देना, बरतानिया पर दिगर ममालिक और यहूदी आबादी का दबाव था। हिंदुस्तान के तकसीम होने से कुछ अरसे पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए, लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वामे मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 13 सितंबर 1947 को इस कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके दो ममालिक बना दिए जाएँ और यरूशलम शहर को दोनों ममालिक से अलग रखकर बैन अल-अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को यह करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की तंजीम ज्यूइश एजेंसी ने इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसको मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को छोड़कर निकल गया, मगर बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हज़ारों फ़लस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फ़लस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर यहाँ से निकल गए। बरतानिया के निकल जाने से एक रोज़ पहले इसराइली बानी डेविड बेन गोरियन ने मुमलिकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज़ 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर धावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फ़लस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1947 को अक़वामे मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया जिसमें फ़लस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खत्ते से ख़त्म हो चुकी थी और दीगर ममालिक से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर आने वाले 10 सालों में ये आबादी 20 लाख तक पहुँच गई। इसराइल के क्याम के वक्त से अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ खड़े थे। कई बार इसराइल पर हमले किए गए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतह नसीब हुई। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नीयत से आए थे कि यहूदियों का एक अलग मुल्क होगा जहां वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरू शुरू में सब उल्ट हो गया। यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तालीम में सबकत रखते थे, उन सब को अरबों के छोड़े हुए घर और कारोबार दे दिए गए, जबकि गरीब ममालिक और अफ्रीका से जाने वाले यहूदियों को महाजरीन के कैंपों में जगह दी गई। 1960 की दहाई के शुरू में ही इसराइल ने अर्जेंटाइन से होलोकास्ट के एक मुजरिम एडोल्फ को पकड़कर इसे इसराइल लाकर अदालत से सजाए मौत का हुक्म जारी करवाते हुए मौत दे दी। कहा जाता है इसराइल ने अपने कैंप से लेकर अब तक लाखों की तादाद में कत्लेआम किया, मगर एडोल्फ जो आज तक वो वाहिद शख्स है जिसे इसराइली अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। रिमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियाहत, सियासत और तमद्दन, मजीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उनवान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।